कंगारुओं का कर दिया है काम तमाम, अब दक्षिण अफ्रीका के सामने मत करना आराम। ये पांच अफ्रीकी बनेंगे सबसे बड़ा खतरा। टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 T20 मैचों के इंटरनेशनल सीरीज खेलने वाली है। ये सीरीज भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरीज का पहला मुकाबला 28 सितंबर, दूसरा 2 अक्टूबर और तीसरा मुकाबला 4 अक्टूबर को खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद टीम इंडिया के हौसले बुलंद है, लेकिन टीम इंडिया को ये समझना होगा कि कंगारुओं को तो हराया, लेकिन ये दक्षिण अफ्रीकी टीम भी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि इस टीम में 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जो भारत का गेम बिगाड़ सकते हैं। क्विंटन डीकॉक, क्विंटन डीकॉक साउथ अफ्रीका के एक मजे हुए खिलाड़ी है जो लंबे समय से T20 क्रिकेट में धमाल मचा रहे हैं। क्विंटन डीकॉक ने भारत के खिलाफ अब तक 6 T20 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 173 रन बनाए हैं, 43.25 की औसत है और स्ट्राइक रेट उनका 139.52 का है। वो 250 भी लगा चुके हैं और उनका बेस्ट प्रदर्शन 79 नॉट आउट है। ये दिखाता है कि किस तरीके से क्विंटन डीकॉक का बल्ला भारत के खिलाफ गरजता है। क्विंटन डीकॉक सलामी बल्लेबाज हैं और वो अगर मैच में चल जाते हैं तो वो अपनी टीम के लिए एक मजबूत स्थिति खड़ी कर देते हैं और विरोधी टीम को परेशानी में डाल सकते हैं। ऐसे में भारत को इस खिलाड़ी से संभल कर रहना होगा और इसके खिलाफ एक अलग ही रणनीति बनानी होगी। डेविड मिलर, पिछले कुछ समय से डेविड मिलर फॉर्म में नहीं थे, लेकिन इस साल वो अलग ही फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। गुजरात टाइटंस के लिए उन्होंने कई मैच विनिंग पारियां खेली और उसके बाद साउथ अफ्रीका के लिए वो अलग ही धमाल मचा रहे हैं। भारत के खिलाफ भी मिलर का बल्ला जमकर गरजता है। जभी तो उन्होंने भारत के खिलाफ 14 मैच में 195 रन ठोक दिए हैं, जहां उनका औसत 27.86 का है, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 144.44 का है। उन्होंने भारत के खिलाफ 150 लगाई है और उनका बेस्ट प्रदर्शन 64 नॉट आउट रहा है। ये बताता है कि मिलर भी भारत के खिलाफ एक खतरनाक खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। एनरिक नोकिया, ये खिलाड़ी भारत आ रहा है और T20 क्रिकेट में धमाल मचाना चाहेगा। एनरिक नोकिया अपनी रफ्तार से हर किसी का ध्यान खींच चुके हैं। इनकी रफ्तार हमेशा 150 प्लस रहती है और बल्लेबाज परेशान हो जाता है। नोकिया ने अभी तक भारत के खिलाफ 6 ही मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 4 विकेट निकाले हैं, जहां उनका औसत 35.75 का है। इकोनॉमी 8.94 की है। वैसे ये आंकड़े भारत को डराने के लिए सही नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि एनरिक नोकिया अगर अपने रिदम में आ गए तो वो अपने ये आंकड़े जल्द ही सुधार मिलेंगे और टीम इंडिया उन्हें ऐसा करने से रोकना चाहेगी। कागिसो रबाडा, कागिसो रबाडा एक और खतरनाक खिलाड़ी हैं जो भारत के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। कागिसो रबाडा अपनी गेंदबाजी से पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजा चुके हैं। ऐसे में रबाडा का भारत के खिलाफ अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो उन्होंने 8 मैच में 6 विकेट चटके हैं, 33.17 की औसत है और इकोनॉमी उनकी 7.11 की है। अब आप कहेंगे कि ये आंकड़े ज्यादा बेहतर तो नहीं है, इससे बेहतर तो किसी दूसरे खिलाड़ियों के भी होते हैं, लेकिन रबाडा के पास जो रफ्तार है वो भारत पर भारी पड़ सकती है। रबाडा और नोकिया दो ऐसे तेज गेंदबाज हैं जो भारतीय बल्लेबाजों की अग्नि परीक्षा ले सकते हैं। ट्रिस्टन स्टब्स, अब एक और युवा खिलाड़ी जो भारत के खिलाफ बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। ट्रिस्टन स्टब्स के पास ताकत है और वो इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में जता चुके हैं कि वो किस तरीके से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सकते हैं। तभी तो मुंबई इंडियंस ने इनके ऊपर दाव लगाया था और ये साउथ अफ्रीकी T20 लीग में भी मुंबई इंडियंस के चहेते सितारे हैं। ऐसे में ट्रिस्टन स्टब्स भारत के खिलाफ अभी तक कोई बल्लेबाजी नहीं कर पाए हैं, लेकिन अगर उन्हें मौका मिला तो वो अपने नाम का जौहर जरूर दिखाना चाहेंगे। ऐसे में टीम इंडिया को इन 5 खिलाड़ियों से बचकर रहना होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इन 5 खिलाड़ियों के अलावा कोई और खिलाड़ी है जो भारत के लिए सीरीज में खतरनाक हो सकता है? कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही क्रिकेट सूत्रा को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन की घंटी जरूर दबाइए। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए।